सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिल्किस के जाम में आपको स्वागत है। तो हम कर रहे हैं सहरी, अभी रात में 4:30 बज रहे हैं, तो आप भी सहरी कीजिए। सिर्फ खीमे का सालन और मसूर की दाल का सालन भैया देके भेजे थे वो, तो हम बनाए थे खीमा और रोटी। आज बच्चों को भी नहीं उठाए, हम तो सताते हैं, सोते ही नहीं वो, इसलिए उनको आज नहीं उठाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो बिल्किस की जहाँ में आपको स्वागत है फ्रेंड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई, तो अभी बच्चे भी नहीं उठे आज, उनको उठाए नहीं हम लोग, क्योंकि उठाने के बाद वो सोते ही नहीं, तो इसलिए उनको नहीं उठाए। 4 दिन उठे वो, आज पाँचवा जी 4वां रोज़ा कि 5वां रोज़ा, तो आज 5वां रोज़ा है, तो आज नहीं उठाए बच्चों को। और हमारा बेबी उठ के खेल रहा है यहाँ पे तालीब, तो अभी हम लोग सहरी तो हो चुकी है, तो अभी नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के सोएंगे। तो यहाँ पे के वो भी बाहर ठहरे थे, अभी अंदर आए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, अच्छा लग रहा है। तो बस मैं तो इतना कहूँगी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है। तो कुछ जो परेशानी है वो भी जाएगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो दुआ तो कीजिए कि हमारे आटो में बरकत दे अल्लाह ताला, क्योंकि बहुत अभी बहुत डाउन है हर चीज़ से भी। वी बच्चों तो को क्योंकि कि अभी रमज़ान का महीना होता है, तो खाना खर्चा टाइम खर्चा फिर ज़्यादा रहता ही है, क्योंकि मैं अकेला ही कमाना है, अकेला ही सब। अल्लाह बेशक बरकत देगा, नहीं बोल के नहीं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आपका आप लोग का साथ आया तो इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो 5वां रोज़ा लगा है, अभी शुरुआत शुरू हो गया, तो 5वां रोज़ा आज, तो इंशाल्लाह अभी 5 रोज़ के बाद इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो आप सपोर्ट कीजिए हमको, तो इंशाल्लाह कपड़े हमारे कपड़े बेबी लेना का भी है पहला रमज़ान, बाबा का, तो तो बच्चों को बच्चों भी को कपड़े लेना है, सब है, बहुत दो कुछ दो जोड़ी काम कपड़े है, लेना है, इनको पता भी लेना है, नहीं मैं भी लेना है। मुझे, नहीं तो नहीं मैं बच्चों को तो हो गया तो अभी बस। तक 5 साल हो गया कपड़े ले आने, तो इंशाल्लाह इस मरतबा उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात को भरोसा है कि बहुत अच्छा सा रमज़ान करने का इंशाल्लाह, पास करके इंशाल्लाह, की उम्मीद हारने का नहीं है इंशाल्लाह, जो टारगेट है हमारा इंशाल्लाह वो हो जाए। क्या जी, लो जी तो से, बस लो जी से, थैंक यू बेटा। अब दुआ की दुआ करो कि ऐसा, हमें इसमें बोल रहे नहीं कि ऐसा ऐसा है वैसा है, अरे नहीं, हम लोग हैं तो आप लोग को बोल रहे हैं कि हमारा चैनल बढ़ेगा, तो हम हमारे बच्चों के लिए लाइफ सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ, लो सिर्फ मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ, हम जो मैं वीडियो बनाने का मेरा कारण ही बच्चों बच्चों की वजह से ही मैं बना रही हूँ, माही की वजह से, आमीन। मेरे चारों बच्चों जो की है, तो मैं बच्चों के वास्ते ही बना रही थी खास करके। तो अगर मेरा चैनल चला भी तो बच्चों के वास्ते ही, जो भी है, तो हम कुछ भी ये नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे देखिए बेबी भी उठा है, अस्सलाम वालेकुम, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे उठ के यहाँ देखिए बैठा लड्डू है, मामा उठ लड्डू गए है। हमारे, ये हमारे बाबा को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट सब्सक्राइब वॉच टाइम फुल प्लीज़ बढ़ाइए, ये लड्डू को देख के। तो फ्रेंड्स अभी हो रही है अजान, तो चलिए अभी नमाज़ पढ़ने के बाद अजान भी होगी, तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग डेली सो जाते हैं, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के। अगर बेबी सोगा तो मैं कुरान पढ़ती हूँ, अगर वो होशियार रहेगा तो मैं कुरान नहीं पढ़ती, ऐसे ही सोती हूँ। दोपहर में उठ के कुरान नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ती हूँ बेबी को सुला के। सुबह तो नमाज़ पढ़ के ही सोते हैं हम लोग, तो ये भी पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार, नहीं तो मस्जिद को जाते हैं। अभी अब ये भी उठा है तो मुझे तंग करता है, तो इसलिए मैं बोली आज यहाँ घर पर ही पढ़ लो करके। तो ये भी घर पर ही पढ़ेंगे, तो मैं भी यहाँ पर पढ़ लूँगी हॉल में, वो बार पढ़ेंगे रूम में। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में और अपने फैमिली में, हमारे चैनल को ज़्यादातर शेयर करिए प्लीज़। तो चलिए आपको नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं, या तो दोपहर में ही मुलाकात होगी, क्योंकि आप सोएंगे तो मैं जल्दी नहीं उठती, ये तो अपने ऑटो पर जाएंगे ऑटो जल्दी। में जाएंगे, ऑटो में क्या है जाके देखेंगे आज। तो खास करके इनके लिए दुआ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका ऑटो में बहुत ज़्यादा स्लो है धंधा, तो इसलिए बोल रहे थे वो, तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चों को भी कपड़े लेना है, रमज़ान सही से अच्छा करना है, ख्वाहिश है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे कपड़े नहीं रहे तो भी चलेगा, इनको भी नहीं रहे तो भी चलेगा, मगर बच्चों को तो लेना ही है, क्योंकि एक दो बच्चे नहीं, 4 बच्चे हैं, तो बच्चों को तो लेना है बेशक। 5 मेंबर का जो खर्चा होता है, मेरा तो मेरा पकड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत एक के ऊपर बहुत मुश्किल होता है, तो आप सपोर्ट कीजिए हमको, बस दूसरा यार निकाह इंशाल्लाह, रमज़ान का जो महीना है वो खुद ब खुद इंशाल्लाह इंतजाम हो जाता है। तो आप दुआ कीजिए, बस इतना ही बोलता हूँ, बीस भी क्या कुछ भी नहीं इस पर, बस दुआ कीजिए बस। तो चलिए फ्रेंड्स अभी अजान भी हो रही है, अभी बात भी नहीं कर रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग सोएंगे। तो सुनिए अजान हो रही है, आवाज़ आ रहा है। नहीं जी, दुआ नहीं पड़ेगा, ज्यादा खाना डलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा।
दिल्ली मुझे सब ज़्यादा ही रहेगा तो पास में। माशाल्लाह अजान की आवाज़ सुना रही थी मैं आपको, कितनी अच्छी आवाज़ आती है। मंदिर के बाद पीछे ही मस्जिद है तो दरगाह भी है। तो मैं अभी स्टार्ट व्लॉग, क्योंकि अभी हस्बैंड साहब आए हैं ऑटो से, तो मैं सुबह उठने के बाद मैं व्लॉग बनाई नहीं, तो अभी जस्ट आए हैं वो ऑटो से। कितने दिन के बाद 500 के नोट देख रहा हूँ, एक 8-10 दिन के बाद 500 के नोट। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सो गए थे तो अभी जस्ट उठे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेबी सोया है। सर कौन है? सो गया नहीं, हुशार है बेबी, हुशार है, उड़ गया है वो भी। तो वो अभी क्या 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 लाए हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बर्फ लाए हैं शरबत बनाने के लिए, और यहाँ पे देखिए फ्रूट फ्रूट आए हैं, कस्टर्ड बना लो पापा। तो अभी मैं बनाऊंगी कस्टर्ड, तो चलिए अभी बनाते हैं कस्टर्ड। 20 रुपए का लाए हैं कस्टर्ड पाउडर, तो यहाँ पे मैं बना रही थी इतना कस्टर्ड। और यहाँ पे देखिए अंगूर, अमीन धो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अमीन, तो यहाँ पे एक अनार, उसमें डालूंगी मैं एक अनार और इतने ग्रेप्स थोड़े। और यहाँ पे लाए हैं कलंगड़ी और खजूर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेबी को ले है, वो रो रहा था बेबी, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे रोजा मुबारक तो यहाँ सबको। अभी थोड़ी देर में 5 रोजा मुकम्मल हो जाएगा। आज मुझे तो बहुत खराब लगा रोजा, मुझे लगे आज। तो यहाँ पे आ गया है अरमान आज, तो अमीन कितना खुश हुआ है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अमीन कैसा बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब। तो अनम यहाँ पे बैठी है, अनम कुछ चॉइस। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है कस्टर्ड, और यहाँ पे देखिए ये है कस्टर्ड पाउडर, पानी में डाल के हिला के रखी हूँ। और यहाँ पे शक्कर पानी पक रहा है, और इसमें मैं डालूंगी मिल्क, दूध डालूंगी, नहीं दूध डालने के बाद बर्फ़ डाल के रख देंगे, इसमें फ्रिज तो नहीं है हमारे घर में, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रूट वगैरह काटे है, तो यहाँ पे देखिए हमारा कस्टर्ड भी रेडी है। तो हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें बर्फ़ डाले है। तो यहाँ पे देखिए अनम टेस्ट कर रही है कस्टर्ड, अनम अच्छा हुआ बेटा, कितना अच्छा हुआ। तो इतना सब करे है, तो अभी थोड़े चिप्स फ्राई करूँगी मैं। फैमिली यहाँ पे देखिए इफ्तारी के लिए बैठे हैं, ये देखिए खरबूजा, ये देखिए अंगूर, मौज, कलंगड़ा और खजूर। वहाँ पे देखिए लेके आए हैं अभी बड़े भैया। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड, इनको बहुत पसंद है कस्टर्ड, ये खाली करेंगे पी के, उनको डबरी पियो बोला मैं अभी, तो पिएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे तो यहाँ पे देखिए देखिए फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉग में लगे रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम दुआ करते हैं, दुआ के लिए इंशाल्लाह तो फ्रेंड्स इफ्तारी के बाद मैं फिर व्लॉग बनाई नहीं, तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।